हे गाइस, दिस इज राकिबुल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैश कारों से कैशबैक को किस तरह से बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। अगर आपको नहीं पता कि कैश कारो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कैश कारो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं, तो कैश कारो आपको अप टू 10% तक कैशबैक दे देता है, जिससे आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैश कारो से कैशबैक को किस तरह से बैंक में ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद नया होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कैश कारो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ शो हो जाएगा कि टोटल अर्निंग आपने कितना किया है, यानी कितना रुपया आपको कैशबैक मिला है कैश कारो से, वो यहाँ शो हो जाएगा। तो इसे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको यहाँ प्रोफाइल में क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ, और जैसे ही प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन आता है तो डिसमिस में क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पेमेंट पर क्लिक करना होगा बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो कितना रुपया अवेलेबल है बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो यहाँ शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ ट्रांसफ़र में क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ ट्रांसफ़र में क्लिक करता हूँ कैशबैक को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद यहाँ आप बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो यहाँ अमेजोन का पे बैलेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ, बैंक में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ यूपीआई में क्लिक किया। उसके बाद यहाँ यूपीआई आईडी डालना होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ फ़ोनपे, पेटीएम का यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं पेटीएम का यू पी आई आई डी डाल देता हूँ। यू पी आई आई डी डालने के बाद यहाँ एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में चेक मार्क लगाना होगा, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इसमें आपको चेक मार्क लगाना होगा। तो चलिए मैं चेक मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद गेट पेड पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ गेट पेड पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैश करो में जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसमें ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी यहाँ डालना है, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। पेमेंट इनिशिएटेड, वी हैव इनिशिएटेड योर पेमेंट ऑफ 408 रुपीज़। जो भी आपका अमाउंट रहेगा वो यहाँ शो हो जाएगा। और उसके बाद यह लिखा हुआ है, इट विल बी एडेड योर यू पी आई अकाउंट विद इन 5 मिनट टू 72 आवर्स। लेकिन इतना टाइम नहीं लेता है, इंस्टेंटली जो है यू पी आई के थ्रू आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गैस, इस तरह से जो है आप कैश करो एप्लीकेशन में जो भी कैशबैक मिलता है उसे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने कैश करो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप कैश करो एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसके भाया आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से शॉपिंग कर सकते हैं। तो वैसे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद नहीं हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।